अलवर की मूक बधिर से रेप के मामले में लोग हुए आक्रोशित। अधिकारी रोज बदल रहे बयान, परिवार पर बनाया जा रहा दबाव। अलवर की मुकबधिर बालिका से हैवानियत के मामले में लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया एवं पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के रोज रोज बदलते बयान और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने के मामले उजागर होने के बाद अब लोग आक्रोशित हो गए हैं। आज अज्ञात लोगों ने कलेक्टर निवास के बाहर पैंट से कलेक्टर के खिलाफ बातें लिखी, जिसमें लिखा है कि कलेक्टर सत्ता का दलाल मत बनो, प्लॉट नहीं न्याय चाहिए। कलेक्टर निवास के बाहर लिखने के बाद ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है और पुलिस में भी इसकी शिकायत पहुंच रही है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये किसने लिखा। ये बात उनकी दीवार पर एक नहीं दो दो जगह लिखी गई है। ये उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन इस हैवानियत भरी घटना को दुर्घटना बताने पर तुली हुई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार बयान बदलने के मामले से आक्रोश बढ़ा हुआ है। सोमवार को पीड़िता के पिता मीडिया के सामने आए और उन्होंने अलवर जिला कलेक्टर पर इस मामले को दुर्घटना बताने के लिए दबाव डाला और कहा कि बताने के लिए तुम्हें प्लॉट और अधिक पैसा मिलेगा। ये बात सामने आने के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति सहित अलवर शहर के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है कि जो कलेक्टर महोदय जिला कलेक्टर महोदय सत्ता का दलाल बन चुका है और इसने आए दिन बयान बदल रहा है, साथ में एसपी महोदय बयान बदल रही है। इन्होंने एक ऐसी मुहिम चला दी कि रेप करो और प्लॉट पाओ। ऐसे बच्चों के साथ दैनिक हत्या के होने के बावजूद भी उनसे बच्चों के माता पिता के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि इसको एक्सीडेंट बनाया जाए, एक्सीडेंट बना के जिससे इसके साथ इसमें बच्ची जो है उसको न्याय नहीं देना चाहता। इस ऐसी घटना का एक्सीडेंट घटना है, इसको ऐसी घटना 11 तारीख से आज 21 दिन हो गए। इस घटना में ऐसा क्या है जिसको ये पेश नहीं कर सकते, जिसको ये सामने ला नहीं पा रहे। इस घटना को देखते हुए जिस अखबार मीडिया कर्मी के द्वारा पता लगा कि ये इसके द्वारा स्टेटमेंट पिता ने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी बच्ची को एक्सीडेंट के लिए कहा, उन्होंने एक्सीडेंट बता दिया जाए, मैं आपको प्लॉट दूंगा, पैसे दूंगा, पट्टा का प्लॉट दूंगा। ऐसी घटना के साथ शर्म करो कलेक्टर महोदय, ऐसी कि बच्ची बोल नहीं सकती, उस बच्ची से दैनिक घटना हुई है, उसके लिए हम बोलेंगे, हम उसके तन मन से ध्यान से पूरे सहयोग करेंगे क्योंकि वो हमारी बहन है, मेरी बेटी है, मेरे जिले की निवासी है, उस गांव की निवासी है जिस गांव में मैं रहता हूं। इसलिए इस मुहिम को देखते हुए आज हमने कलेक्टर साहब को ये चस्पा किया है, दिखाया है कि आप सत्ता के दलाल नहीं बनो, हमको प्लॉट नहीं चाहिए, हमको ओनली न्याय चाहिए, बच्ची के साथ न्याय हो और साथ में जिसने इसके साथ अपराध किया उसको सख्त से सजा मिले। रजनीश जयमन, बाइट रजनीश जयमन, संघर्ष समिति, टाइम एड राजस्थान के लिए अलवर से रजनीकांत भट्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एड राजस्थान। टाइम एड राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार बना है आपके कमेंट्स का।